तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से माउंटेन फैमिली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन ठाकुर। और अभी हूं मैं अपने घर भजौरा में, बट जो आज का प्लान है, आज का प्लान कुछ अमेजिंग सा है। तो आज कुछ दिखाऊंगा मैं आपको पहाड़ी लोगों का अब क्या हालत हो जाती है। तो अब ठंड बहुत बढ़ चुकी है और बारिश देखो अभी आप धीरे धीरे हो रही है, और हमने एक तैयारी बिल्कुल नहीं की है कि हमारे पास लकड़ियाँ नहीं हैं तंदूर के लिए। तो तंदूर लास्ट में दिखाऊँगा मैं आपको, बट लकड़ियाँ नहीं हैं। तो मेरी हेल्प करने आया है कटप्पा, तो एक कटप्पा एक राहुल आया, तो हम जल्दी जल्दी लकड़ियाँ को काटने का इंतज़ाम करेंगे, बट उसके लिए मुझे अपने ऑर्चर्ड जाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं यार आज का ब्लॉग स्टार्ट। लकड़ी काटने के लिए सबसे पहले हमारे को पावर चेन चाहिए, तो बस पहले उसी का जुगाड़ करेंगे और उसके बाद लकड़ियों के पास पहुँचेंगे। तो चलो पहले सीधा पावर चेन के लिए तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने गाँव के सामने आ चुका हूँ। तो ये वाला गाँव जो जितना आपको दिखाई दे रही है, नॉट गाँव, थोड़ा गाँव से ऊपर शहर कह सकते हो आप। तो ये है भजौरा। ब्यास नदी साथ में बहती है और उसके ऊपर सीधा ब्यूटीफुल दो पहाड़ों के बीच में खेत पहुंचने वाले हैं और स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। उधर सामने वाला जो लगवेली का पहाड़ यहाँ से दिखाई दे रहा है ना यार, कितना खूबसूरत। तो फ्रेंड, जो मुझे ये खेत खलियान ना बहुत अच्छे लगते हैं यार, बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पर अभी कहीं पर गोभी लगाई जा रही है, ये देखो मूली, तो इस खेत में मूली मूली लगी है। और ये पहले किसी टाइम ग्राउंड हुआ करता था, पूरा क्रिकेट ग्राउंड हमारा, बट बाद में जो इसका मालिक है उसने यहाँ पे बीजना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये देखो देसी पालक, जो चीज़ प्योर मिलती है ना यहाँ पे, वो कहीं नहीं मिलती। अपनी खुद से बीजो और खुद से उगाओ और खुद से खाओ तो वो मज़ा अलग होता है। अगर कहीं और जगह से लो तो पता नहीं कितना पेस्टिसाइड किया होता है, उसका कोई पता नहीं। और ये लाए हम अपनी पावर चेन, तो बड़े जुगाड़ किए यार इस पावर चेन के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुके हैं अब मेरे पुराने घर में। तो कुछ ऐसा होता है हम हिमाचलियों का घर, पुराना घर। तो जिसने अभी तक नहीं देखा, तो जो मेरे पीछे वाला घर यही है, मिट्टी और पत्थर का घर। तो ऐसे घरों की एक विशेषता ये है कि गर्मियों में ये बहुत ठंडे होते हैं और सर्दियों में अभी बहुत गर्म रहेंगे, बिकॉज इसमें मिट्टी यूज़ होती है। और जो दूसरी बात ये है, इसमें चूहे भी बहुत होते हैं, ऐसे घरों में चूहे भी होते हैं, बिकॉज मिट्टी का घर है तो मिट्टी को कतर कतर करके आएंगे। तो अभी ये अनार के बगीचे में पहुंच चुके हैं हम। एक बुरी खबर, यहाँ पे मेरे सेब के बगीचे में आवारा पशुओं ने तबाही मचा दी है यार। तो अब टर्न आती है कि हम फाइंड आउट कैसे करें कि कौन सा पेड़ हमने काटना है। तो कुछ एक पेड़ वैसे मैंने ऑलरेडी गिराए हुए हैं, जैसे कि ये देख लो, सूख चुका है पूरी तरह, तो इसमें एक भी पत्ता नहीं मिलेगा, तो बस इसको उड़ाने का है पूरी तरह। तो हम नीचे से सफाई करते करते आएंगे, जो जो पेड़ काटने के लिए होंगे उसको काट देंगे और जो जो रखने के होंगे उसे रख दिया जाएगा। तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है और ठंड और बढ़ रही है। तो अभी टेम्परेचर है वो लगभग ज़ीरो के आसपास है, और हमें जितने के जितने पेड़ हैं, ये नॉट सारे बगीचे के, बट जो सूखे सूखे हैं उनको उड़ा के ले जाना पड़ेगा घर के पास। तो पहले तो हम किसी को बुला देते थे, बट उनके नखरे सौ होते थे, आज टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने सोचा यार खुद ही सीख लूँ इसको चलाना, थोड़ा रिस्की होता तो घर वाले मना करते थे, बट सीख लिया और आज कर लिया। ये वाला बड़ा पेड़ जो सबसे बड़ा, ये सूख चुका है और इसको भी उड़ाना है। फाइनली फ्री हो चुके हैं लकड़ी काट के, बट टोटल लकड़ी भी नहीं काटी अभी, अभी भी रह चुकी है कटप्पा को फाड़नी बीच से, काफ़ी है। तो देख लो पूरी I-20 भर के लाए हूँ, भर के। जल्दी से उतारनी पड़ेगी, वरना घर से घर वालों से गालियाँ पड़ेगी कि ट्रक लेके नहीं गया तो I-20 लेके सारी गंदगी कर दी होगी। तो मैंने पहले सोचा नहीं था कि इतनी लकड़ियाँ होंगी। कम ऑन शिवो, हम पहुँच, कम ऑन, कम पापा कम, पहुँचना है तुझे, कम ऑन। नहीं नहीं, ऐसे उंगलियां करके नहीं आ पाओगे पापा, आपको दोनों हाथों और पाँव से करना पड़ेगा। मैं तो बुरी तरह थक चुका हूँ लकड़ी वगैरह काट के, बस थोड़ी देर में मम्मी तंदूर जला रहे हैं
और मैं तब तक शिवम को प्रैक्टिस दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वो चल के इस गिलास को हासिल कर सके। यार अभी भी मेरे ना बालों में अंदर लकड़ियाँ फंसी हुई हैं, कई छोटी छोटी लकड़ी जो पावर चेंज से ऐसे काटी तो पूरे बॉडी पे आ गया था। ये देखो मस्ती देखो भाई इस बंदे की, टशन है टशन बंदे का। और ये इसकी बड़ी बहन, नाम क्या आपका? हाव्या। कितने में पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? UKG। कहाँ पढ़ते हो? मतलब कि सुनोर वैली पब्लिक स्कूल में जा रहा। सुनोर वैली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो? ओके। स्कूल जाते हो आजकल आप? नहीं, हम फोन में क्लास लगाते हैं। तो मामू एक बात बताओ, स्कूल जाने में मजा है कि फोन में क्लास लगाने में मजा है? सच बताना। स्कूल में जाने का। तो मिस कर रहे हो स्कूल को? ओह माय गॉड, प्रकृति सिंह के गोभी काटने के साइज तो देखो भाई, इतने बड़े बड़े। इससे छोटा काटू तो मेरे पति देव मुझे बहुत डांटते हैं कि इतने छोटे छोटे क्यों काटे। तो आपने कुछ ज्यादा ही बड़े काट दिए। नहीं ठीक है, थोड़ी देर में सॉक्स पहन लो। क्या? सॉक्स पहन लो, वरना फिर रात को मत बोलना कि मुझे दर्द हो रही है, तेल लगा दो, मुझे जुकाम होने वाला है। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे कौन है। तो यहाँ पे शिवोहन जी हैं और वो भी अपने बड़े पापा जी के साथ। तो ये है हमारी लाइफ लाइन जिसे कहा जाता है तंदूर। तो यहाँ से धुआं जा रहा है बाहर, बाहर हो चुका है बिल्कुल सन्नाटा, और मीन्स ठंड बहुत हो चुकी है बाहर। तो अभी टेम्परेचर होगा वो लगभग 2 या 3 डिग्री होगा, और रात को टेम्परेचर जाएगा माइनस में। बट अगर तंदूर वाले की टेम्परेचर की बात करूँ यहाँ पे तो आराम से अभी 22-25 डिग्री होगा। तो अभी जलाया है तो ज़्यादा नहीं होगा, तो अगर ज़्यादा करना तो थोड़ा देर और जलाओ तो 30 डिग्री तक भी चला जाएगा। गर्मी तगड़ी हो जाती इससे। तो वो लकड़ियाँ मैंने इसी के लिए काटी थी। तो कुछ इस तरह का होता है तंदूर, यहाँ से लकड़ियाँ डाली जाती हैं। ये कतीरा बोलते हैं इसको, इसको भी थोड़ा लोकल सिखा रहा हूँ मैं आपके साथ। तो इसको कतीरा बोलते हैं, कतीरे से खोलना होता है। हाँ बहुत गर्म होता है, देखो ये अंदर जो लकड़ियाँ काटी थी तो ये देखो लकड़ियाँ जल रही हैं। गाइस के ऊपर वैसे खाना भी पका सकते, बट टाइम उसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है। आग आपको जल्दी चाहिए कि जल्दी जले तो इसको खोल दो, अगर आप चाहते हैं कि धीरे धीरे लकड़ी जले तो आप इसको कम कर दो। अब सर्दियां हमारी इसी रूम में जाएंगी सब परिवार की, खाना भी यहीं होगा और बैठना भी यहीं होगा। तो ये हमारा फ्री रूम होगा, मीन्स आओ बैठो खाना खाओ और चले जाओ। हीटर में क्या होता है कि सिर्फ जहाँ हीटर लगा होता है उसकी गर्मी सिर्फ वहाँ के एरिया में मिलती है, इसकी पूरे रूम में कहीं भी बैठ जाओ मस्त करके चिल मारो। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, सुन रहा हूँ मैं आपको, सुन रहा हूँ। चल चल, ओ भाई पियो उसको, पियो पियो। क्या बात है, तेज हो गया यार, मेरी बात सुन रहा आजकल। एक्चुअली तंदूर भी जलता है अपर हिमाचल में, जैसे कुल्लू मनाली किन्नौर लाहौल शिमला, तो इन एरिया में चलता है जहाँ पे यू नो ठंड ज़्यादा पड़ती है। और बाहर बारिश हो रही है बहुत अच्छी वाली, तो बिल्कुल तो ठंड बहुत बढ़ चुकी है। तो शिवम के जितने भी कपड़े हैं यहाँ तंदूर वाले रूम में सूख रहे, देखो। तो तंदूर वाला रूम बहुत काम आते, देखो टीवी के ऊपर भी उसके रखी हुई हैं। मैंने अभी शिवम को नहलाया है, उसके बाद अब इसकी मसाज चल रही है। और क्या मसाज, कोई स्पेशल तेल से चल रही है? यस, हमारे यहाँ का लोकल जो तेल होता है गुट्टी का तेल, मतलब बादाम, लोकल बादाम जो होते हैं, तो उसका तेल बहुत गर्म होता है, तो सर्दियों में उसकी मसाज करने से मतलब कोजी रहते हैं बॉडी। बाकी अभी फिलहाल इतनी ठंड नहीं हुई है तो मैंने उसमें और ऑयल्स भी मिक्स किए हैं। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। तो जब ज़्यादा विंटर्स होंगी जैसे जनवरी फरवरी के मंथ में, तो उस टाइम पे प्योर गुट्टी के तेल से मसाज की जाएगी। वो बोन्स के लिए और मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रकृति क्या गंदी चीज खिला रही इसको यार। ये मम्मा मुझे क्या खिला रही है, वो भी गंदा छा। तो आज की इस माउंटेन फैमिली की इस वीडियो के लिए इतना ही। तो जो चीज़ दिखानी थी आपको वो दिखा दिया, तंदूर और उसके लिए जितनी मेहनत की वो भी दिखा दिया। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।